महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फंसे कालीचरण महाराज रायपुर जेल से छूटने के बाद मंगलवार शाम इंदौर पहुंचे। कालीचरण महाराज को अकोला, पुणे, देवास सहित अन्य जिलों के कार्यकर्ता इंदौर एयरपोर्ट पर लेने आए थे, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग सेना व हिंदू महासभा के संगठन कार्यकर्ता शामिल थे। यहाँ हिंदू महासभा सहित अन्य हिंदू संगठनों ने एयरपोर्ट से राजवाड़ा तक जगह जगह उनका स्वागत किया। कालीचरण ने रायपुर में आयोजित धर्म सभा में गांधी जी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीते साल 30 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम से छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गई थी। इंदौर पहुंचे कालीचरण ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने जो बयान दिया था उस पर आज भी कायम हूँ। आज मैं देवी अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में पहुँचा हूँ। यहाँ पर लोगों का उत्साह देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। हिंदुओं को लेकर मैं लगातार काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। माँ अहिल्या की पावन नगरी दो तीर्थ स्थलों के बीच में है। मुझे यहाँ आकर बड़ा सुकून और आनंद मिल रहा है। कालीचरण ने कहा, जिस तरह से यहाँ लोग पहुँचे हैं और मेरा स्वागत किया है, इससे मेरा उत्साह और मनोबल बढ़ रहा है। रायपुर में आयोजित धर्म सभा में महात्मा गांधी को लेकर दिए विवादित बयान पर कालीचरण ने कहा, मुझे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। मुझे सच बोलने की सजा मिली है। सोमवार शाम रायपुर की हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से कालीचरण को जेल से रिहा करने के आदेश हुए, जिसके बाद वे रायपुर से सीधा इंदौर पहुंचे। रायपुर में बीते साल 26 दिसंबर को धर्म सभा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में देश भर के कई साधु संत शामिल थे। इसमें कालीचरण ने महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद छग पुलिस ने उन्हें खजुराहो से गिरफ्तार किया था। वे यहां से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में रह रहे थे। छग पुलिस ने उन्हें तड़के से 4 बजे गिरफ्तार किया और रायपुर ले गई, पर रायपुर में धारा 505 और धारा 294 के तहत केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इंटर स्टेट प्रोटोकॉल को तोड़ा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा बताएं, गांधी जी को गाली देने वाले से खुश हैं या दुखी।